अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुश एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार की दोपहर 3:15 से हो जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर 2023 बुधवार की दोपहर 12:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त जो पापांकुशा एकादशी रहेगी वो 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना है एवं इस एकादशी व्रत का पारणा 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार को यानी प्रदोष के दिन सुबह 6:27 से लेकर के 8:27 तक कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो जैसे प्रदोष का व्रत है, गुरुवार का व्रत है, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु खा करके आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत आपको कब रखना है तथा इस एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना है। एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक संख्या इनकी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रही है उसका नाम पापांकुशा एकादशी है, और पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के, इस जन्म के या पूर्व जन्म के या कोई भी जन्म के गलती से आपने पाप कर लिए हैं या पाप हो गए हैं तो उन सब को नष्ट करने के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यह एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हमारे द्वारा जाने अनजाने में कई पाप हो जाते हैं, तो उन सबको जड़ से नष्ट करने के लिए यदि कोई व्रत बताया गया है तो वो पापांकुशा एकादशी का व्रत है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेघ एवं सभी प्रकार के दान पुण्य व्रत करने का पूरा पूरा पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार की दोपहर 3:15 से हो जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर 2023 बुधवार की दोपहर 12:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी हरिवासर जो शुद्ध द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी वो 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना है और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन सुबह 6:27 से लेकर के 8:27 तक रहेगा। हालांकि इस दिन कई लोग गुरुवार का व्रत भी रखेंगे और प्रदोष का व्रत भी रखेंगे, ऐसे में एकादशी व्रत का पारणा आप फल या फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रहेगा तथा इस व्रत का पारणा 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार को रहेगा। तो दशमी तिथि के नियम का जो पालन करता है उनको एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन आपको पराय अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल और कटहल की सब्जी भी इस दिन भोजन में नहीं खाना चाहिए और दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन यानी 25 अक्टूबर बुधवार को सुबह जल्दी उठकर के स्नान कर ले। ध्यान रखें सूर्योदय के पहले पहले आपको उठ जाना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप कम से कम 9 के पहले पहले, क्योंकि सुबह 9 तक का जो समय है वो देवताओं का समय माना गया है,
तो सुबह 9 बजे के पहले पहले उठ करके स्नान कर ले, और स्नान करने के बाद आप मस्तक पर तिलक धारण करें, स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान का नित्य का पूजन अर्चन कर लेवे और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। अगला वीडियो जो हम आपको बताएंगे उसमें एकादशी व्रत का संकल्प बोल करके आपको सुनाएंगे। साथ ही आप एकादशी के दिन अपने इष्ट देवता, गुरुजनों, माता पिता को प्रणाम करके इस व्रत को आरंभ करें, तथा एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और साबूदाना, आलू और अन्य प्रकार की जो सब्जी या फल माने जाते हैं, जो कि फलाहार के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं, उनका उपयोग आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल का उपयोग पूजा पाठ या भोजन में नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको इस दिन घर में चावल बनाना भी नहीं है और चावल का उपयोग करना भी नहीं है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी नहीं चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा कोई पाप हो जाते हैं, उसे कायिक पाप कहा जाता है, और दूसरा होता है वाचिक, वाणी के द्वारा गलत शब्दों का उपयोग जब हो जाता है तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है, और उसके बाद आता है मानसिक पाप। मानसिक पाप का अर्थ होता है मन में गलत विचार उत्पन्न होना, उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो तीनों प्रकार के पाप से हमें बचना चाहिए, और यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना आपको कर लेनी चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। व्रत का पारणा आप जल पी करके, प्रभु का स्मरण करके कर सकते हैं। साथ ही जो भक्तजन, माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं, उनको ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण देवता के मुख से कथा सुनने से आपको भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा, और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए। एकादशी व्रत जो करता है उसको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। कई लोगों का सवाल रहता है कि एकादशी तिथि समाप्त हो गई है, फिर हम व्रत का पारणा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो एकादशी का जो व्रत होता है वो सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। हालांकि हम ब्रह्म मुहूर्त से ही सारे नियमों का पालन आरंभ कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 4 बजे के बाद से ही हमको एकादशी के समस्त नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए। एकादशी चाहे एक दिन पहले लग जाए, लेकिन व्रत का प्रारंभ हमको सूर्योदय से ही करना है, यानी 25 अक्टूबर के दिन सुबह 4 बजे से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि 26 अक्टूबर गुरुवार के दिन सूर्योदय के समय समाप्त होगा। इस प्रकार आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो हम आपको हमारे चैनल पर अवश्य ही पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।